जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हम एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन साइट एग्जाम 2021 का पिकअप किए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा है, या जो ग्रुप थ्योरी का जितने भी क्वेश्चन साइट एग्जाम में इस ईयर पूछे गए हैं उसमें सबसे हमारी नज़र में टेक्निकल क्वेश्चंस रहा है। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस को मैं नाम दूंगा, बहुत टफ तो नहीं कहूंगा, बट ये दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर। क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लरिवन का दोहा वाला। देखत को छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात है। यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सीधे सपाट पूछा है कौन स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है जेड प्लस इज आइसोमार्फिक टू आर प्लस। सेकेंड है कि जेड प्लस आइसोमार्फिक टू क्यू प्लस, क्यू बाई जेड कोसेंट ग्रुप आइसोमार्फिक टू क्यू प्लस, कोसेंट ग्रुप क्यू बाई जेड इज आइसोमार्फिक टू द क्यू बाई टू जेड प्लस। ये बात पूछी है कौन किस ग्रुप के आइसोमार्फिक है उसमें से मुझे छांट के बाहर करना है, यानी दो ग्रुपों के बीच में क्या एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो आइसोमार्फिज्म होगी। ऑलरेडी हम इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में जब हमने ग्रुप थ्योरी पे काफ़ी डिस्कस किया था तो वहाँ होमार्फिजम्स कैसे बनेंगे, आइसोमार्फिज्म कैसे बनेंगे, फिर क्या क्राइटेरिया होमार्फिज्म और आइसोमार्फिजम्स पे, काफ़ी डिटेल्स में हमने वहाँ बात की है। तो अगर लिसनर उस वीडियो लेक्चर्स को अगर देख लें तो उनका जो भी कन्फ्यूजन आइसोमार्फिज्म और होमार्फिजम्स पे होगा दूर हो जाएगा। बहरहाल हम तो यहाँ सीधे सपाट अपने रिजल्ट का यूज करते हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अगर यहाँ आइसोमार्फिज्म होने का क्या मतलब है, थोड़ी उसकी बात हम यहाँ क्लियर कर दें। दो ग्रुपों के बीच में एक ऐसा होमोमार्फिज्म एग्जिस्ट करे कि वन वन हो जाए और वन टू हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो जो होमोमार्फिज्म है दिस इज द आइसोमार्फिज्म। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आइसोमार्फिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट होमोमार्फिज्म हमेशा दो ग्रुपों के बीच में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है और उसका नामकरण संस्कार है ट्रिवियल। लेकिन आइसोमार्फिज्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये बात दावे के साथ नहीं की जा सकती है। तो आइसोमार्फिज्म में एक बात और होती है यहाँ कि वो भी बड़ा स्ट्रांग टूल्स है आइसोमार्फिज्म प्रूफ करने में, कि जो आर्डर है ना, आर्डर प्रिजर्व होता है। मतलब ये कि ए बिलोंग्स अगर जी है तो आर्डर ऑफ ए जो होगा वो आर्डर ऑफ एफ ए होगा इफ एफ इज ए आइसोमार्फिज्म। लेकिन अगर होमोमार्फिज्म है तो आर्डर ऑफ एफ ए, ये जो आर्डर ऑफ एफ ए होता है वो डिवाइड्स आर्डर ऑफ ए होता है, ये होमोमार्फिज्म्स के लिए। बट ये आइसोमार्फिज्म्स के लिए मीनिंग क्या होती है कि जिन दो ग्रुपों के बीच में होमोमार्फिज्म आइसोमार्फिज्म होने जा रहा है तो आइसोमार्फिज्म आर्डर को प्रिजर्व करता है। मतलब कि एलिमेंट और उसके करिस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेंगे ना, उन दोनों के आर्डर सेम होते हैं, इसको हम लोग आर्डर प्रिजर्विंग की बात करते हैं। बट ये होमोमार्फिज्म में नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, होमोमार्फिज्म्स के लिए ये बात होती है। दूसरी बात है कि उन्हीं दो ग्रुपों के बीच में आइसोमार्फिज्म एग्जिस्ट करेगा जिनकी दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वन वन ऑन टू की यहाँ बात है। तो फंक्शंस वन वन कब होगा, जैसे एक जनरल बात कर लें, एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है एनालिसिस का कि अब सच दैट एक्स टू वाई कोई मैपिंग है, हर कोई फंक्शन है, तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ वाई हो जाए तो कभी भी वन वन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वन वन के लिए होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई, तभी वन वन, वो मैपिंग वन वन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आइसोमार्फिज्म भी तो एक मैपिंग है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द मैपिंग। तो पहला ऑप्शन रियल एनालिसिस के इस रिजल्ट से डिस्कार्ड हो जाएगा कि दो फंक्शंस जो मेरे हैं वो वन वन नहीं हो सकते हैं अगर इसकी कार्डिनलिटी से इस कार्डिनलिटी से ज़्यादा हो जाए। तो जरा यहाँ देखा जाए कि ये जेड, दिस जेड एंड ये जो आर है, इनके बीच क्या कोई मैपिंग होमोमार्फिज्म आइसोमार्फिज्म हो सकता है क्या? तो आइसोमार्फिज्म्स की पहली बात वन वन होना चाहिए, तो वन वन नहीं होगा। सबको पता है कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर जो होती है ना वो एल इफ नॉट होती है, और कार्डिनलिटी ऑफ आर जो होती है ना वो सी से लिखते हैं, सी। और सी जो है दिस इज द ग्रेटर देन एल इफ नॉट, मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी है इसी कार्डिनलिटी से ज़्यादा होती है। तो
वन तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट आंटू की कंडीशन से यहाँ फेल हो जाएगी। आंटू के लिए क्या कहता है, वन तो हो जाएगा क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ये हो गया ना कि कार्डिनलिटी ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर एस हो गया यहाँ, तो वन वो मैपिंग वन एग्जिस्ट कर जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी के लेस है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है वन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन आंटू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आंटू के लिए क्या होना चाहिए, आंटू तब होगा जब कार्डिनलिटी ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स हो, मतलब कि इसकी कार्डिनलिटी से लेस हो या इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं, वो ग्रेटर होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होने का मतलब क्या कि इनमें जो भी आप मैपिंग डिफाइंड करेंगे वो होमोमार्फिज्म हो जाएगा, आंटू हो जाएगा, वन हो जाएगा बट आंटू नहीं होगा, तो आइसोमार्फिज्म नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन वन इज कैंसिल हियर। तो ऑप्शन वन मेरा ऑर्डिनरी रियल एनालिसिस का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से कैंसिल हो जाएगा कि मैपिंग आप डिफाइंड कर लें, होमोमॉर्फिज्म बना लें, बट वन आंटू का जो कंसेप्ट है आइसोमॉर्फिज्म्स के लिए इसमें वन हो जाएगा बट आंटू कभी नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली जो हमारा मैपिंग का जो फॉर्मेशन होगा वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगी। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट इसमें है ये कि क्या Q प्लस ए जेड और Q प्लस के बीच में हमारा आइसोमार्फिज्म बन सकता है, क्या कोई ऐसी मैपिंग है जो इनके बीच हमारी आइसोमार्फिज्म एग्जिस्ट करती है। तो चलते हैं देख लेते हैं, पहले मैपिंग डिफाइन कर लें कि इनके बीच में कैसी मैपिंग बनेगी। यफ सच दैट जेड टू क्यू मैपिंग की बात कर लें तो यफ ऑफ या कोई भी जनरल एलिमेंट जेड का एम पिकअप कर लिया दिस, और ये एलिमेंट ऑफ द क्यू मिलना चाहिए आउटपुट, तो एफ ऑफ एम को अगर मान लें कि ये एफ मेरा होमोमार्फिज्म है तो होमोमार्फिज्म की कंडीशंस को क्या सेटिस्फाई करेगा भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ वन प्लस वन एंड आर्ट्स वन एम टाइम्स, मीनिंग ये हो गई कि ये हो जाएगा एम एफ ऑफ वन दिस। अच्छा अब एफ ऑफ वन क्या है, व्हाट कि वन का यहाँ इमेज होगा, ये जेड हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, दिस इज द जेड एंड दिस इज द क्यू। अब वन का इमेज यहाँ कहीं जा सकता है, तो इस वन को इमेज पे किसी भी रेशनल नंबर पे भेजा सकता है, जैसे मान लें हम 2/3 पर भेज दें तो फिर एफ ऑफ एम इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज द एम इंटू 2/3 मीनिंग होगी 2m/3 हो गया। और डेफिनेटली बड़े ईजी वे मैं चेक कर सकता हूँ कि ये जो मैपिंग है मेरी ये होमोमॉर्फिज्म है, डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, ले लिया जाए एफ ऑफ एम प्लस एन तो प्रूव कर सकते हैं बड़े इजी वे में। अभी इसी स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए प्रूव करना तो दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, कुछ बहुत उसमें दम ही नहीं है। अच्छा अब ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जब ये वन और आंटू एग्जिस्ट करे, लेकिन ये आंटू नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल यहाँ देख लें, जैसे यहाँ 7/8 है क्यू में, अब इसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ कोई प्री इमेज इमेज मिलने वाला नहीं है, जैसे 2/m यहाँ कौन सा इंटीजर्स होगा जिसका इमेज 7/8 आएगा, तो हम तलाश करते हैं यम कि 2m इज इक्वल टू 7/8 हो सकता है क्या, तो m इज इक्वल टू हो गया 21/16, तो ऐसा कोई इंटीजर तो होता ही नहीं है। मीनिंग क्या कि 7/8 तो q का मेंबर है बट 7/8 का किसी का रिलेशन इसमें नहीं है, यूँ कहें कि इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज 7/8 नहीं है, तो फिर ये आंटू नहीं है। और कोई भी मैपिंग जेड और क्यू के बीच डिफाइंड होगी तो मेरा फॉर्मेशन यही होगा, तो या एफ ऑफ वन कहीं किसी को फिक्स करना पड़ेगा किसी रेशनल नंबर पे या कहीं भी, तो फिर ये जो मैपिंग बनेगी ये होमोमॉर्फिज्म तो होगी बट ये आंटू नहीं हो सकती है, तो आंटू नहीं होगी तो फिर हमारा ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, तो दिस इज द कैंसिल हियर, आइसोमॉर्फिज्म नहीं होना है। अच्छा इनके बीच में भी जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, उसके लिए एक बड़ा ये फेमस ग्रुप थ्योरी की दुनिया में ये जो ग्रुप है क्यू बाई जेड बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस ग्रुप है ये क्यू बाई जेड, कैसे लिखते हैं भाई, जेड प्लस पी बाई क्यू, पी क्यू जहाँ हमारा है पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, ये हमारा इंटीजर है, तो यहाँ ये देखते हैं कि क्यू बाई जेड में जो है ना इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द एलिमेंट हैं बट सबका आर्डर जो है फाइनाइट है, यानी इसमें से हम कोई भी एलिमेंट जैसे z प्लस अगर 2/3 पिकअप कर लें तो इसका जो आर्डर होगा 2/3 होगा,
बड़ा फेमस रिजल्ट है ये ग्रुप का, ये एकोसंट ग्रुप का, और इस ग्रुप के ईच एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है। तो अब ये आइसोमार्फिज्म होगा, और अभी आइसोमार्फिज्म की एक बात हमने कही कि वो आर्डर को प्रिजर्व करता है। मीनिंग ये हो गया कि जेड प्लस टू बाई थ्री जो भी मैपिंग होगी वो मैपिंग हमारी इनके बीच में ऐसे एलिमेंट के साथ होगी जिसके इस एलिमेंट ईच एलिमेंट का जो आर्डर है फाइनाइट है, बट यहाँ जीरो है जिसका आर्डर हमारा वन है, बाकी किसी भी एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट नहीं है। सारे एलिमेंट के आर्डर इनफाइनाइट है यार, जीरो है, सबको पता है। रेशनल नंबर अंडर एडिशन जो ग्रुप होता है उसमें जीरो एलिमेंट है उसका आर्डर वन होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर वन होता है, दिस इज रिजल्ट हियर। बाकी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट नहीं है, और इसमें सारे एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है, फिर कंट्राडिक्शन हो गया। तो आप जो मैपिंग डिफाइन करेंगे होमोमार्फिज्म वो आइसोमार्फिज्म नहीं हो सकती है, नेवर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आइसोमार्फिज्म की एक कंडीशन है कि वो आर्डर को प्रिजर्व करता है। तो ड्यू टू दिस रिजल्ट आइसोमार्फिज्म नेवर पॉसिबल। अब फोर आ गया यहाँ, तो फिर तो ओनली वन ऑप्शन इज ट्रू हियर, तो फोर तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, फोर ट्रू हो जाएगा तो इसका हम थोड़ा यहाँ प्रूफ की बात करते हैं लगे हाथ, केवल कुछ बहुत टाइम नहीं है, ओनली कुछ अब मिनट और सेकंड की बात रह गई है कि ये कैसे हमारा होगा। इनके बीच अगर हम कोई मैपिंग अगर डिफाइंड करते हैं एफ सच दैट क्यू बाई जेड टू क्यू बाई टू जेड, कैसे डिफाइन करेंगे भाई एफ ऑफ एनी एलिमेंट? तो एनी एलिमेंट लिखेंगे जेड प्लस एलिमेंट ऑफ द क्यू, मतलब पी बाई क्यू। आउटपुट क्या आ जाएगा? टू जेड प्लस दिस एलिमेंट अगेन पी बाई क्यू हो गया, जहाँ हमारा पी क्यू बिलोंग्स जेड है, सबको पता है क्यू जीरो नहीं है। अब यहाँ देख लिया जाए कि जैसे हम यहाँ कोई एक रैंडम एलिमेंट जेड प्लस फाइव बाई थ्री हमने ले लिया, इसका कोई एलिमेंट ले लिया, अब इसका आर्डर क्या होगा? इसको अगर हम फाइव टाइम्स तक ऐड करें, मतलब जेड प्लस फाइव बाई थ्री नहीं सॉरी थ्री टाइम्स तक प्लस फाइव बाई थ्री जेड प्लस, तो ये थ्री थ्री जेड प्लस फाइव आ जाएगा, मतलब जेड प्लस फाइव बाई थ्री प्लस जेड प्लस फाइव बाई थ्री को अगर हम थ्री टाइम्स लिखेंगे तो जेड प्लस फाइव हो जाएगा, और फाइव जेड का एलिमेंट है, तो दिस इज द जेड प्रॉपर्टी होती है, एच ए इज इक्वल टू एच आर एच प्लस ए इज इक्वल टू एच होता है इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। ये बड़ा स्ट्रांग रिजल्ट है इस सब ग्रुप का। तो फाइव एलिमेंट है जेड का, इंटीजर है, तो जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जेड एंड जेड इज द सब ग्रुप ऑफ द क्यू हियर। तो कहने का मतलब हमारा इसका आर्डर जो हो गया, व्हाट इज द आर्डर ऑफ दिस, अगर हम थ्री टाइम्स ऐड करते हैं तो इसका आर्डर जो हो जाएगा हमारा थ्री हो जाएगा, दिस इज द थ्री। इसके करिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा वो आएगा टू जेड प्लस फाइव बाई थ्री, अगेन इसका भी जो आर्डर होगा वो थ्री होगा। कहने की मीनिंग हमारी क्या होगी? इसके किसी भी एलिमेंट का जो आर्डर होगा, इसके भी उसके करिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट, मतलब जो ए होगा, जैसे ए एलिमेंट हमने कोई चॉइस कर लिया क्यू बाई जेड का, तो एफ ऑफ ए इसका जो आर्डर होगा और आर्डर ऑफ जो ए होगा वो सेम होगा। तो ड्यू टू दिस कंडीशंस अब इजिली देखा जा सकता है कि दिस मैपिंग इज वन वन एंड टू, और होमोमार्फिज्म भी है, और ऐसी मैपिंग है जहाँ आर्डर भी प्रिजर्व होता है, तो डेफिनेटली ये जो यानी इनके बीच जो मैपिंग हमारी बनी है, हमने जो मैपिंग निकाला तलाश किया मैपिंग की दुनिया में से, ये होमोमार्फिज्म है और आर्डर प्रिजर्व करता है, वन वन भी है एंड टू है, इजीली चेक कर सकते हैं दिस इज द वन वन एंड एंड टू। और कर्नल एफ मैं निकाल सकता हूँ, कर्नल ऑफ एफ में सिंपली जेड होगा और जेड इज द वन दिस इज द जीरो, चेक कर सकते हैं उसको, देखें यहाँ सीधे वो एक लाइन की चीज़ है, थोड़ा उसको मन ले रहा है निकाल लेने का, तो चलते हैं निकाल लें ताकि लिसनर्स को सारी बातें क्लियर हो जाए। कर्नल ऑफ एफ इज व्हाट? कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू उन एलिमेंटों का कलेक्शन है, मीनिंग किसके, z प्लस पी बाई क्यू सच दैट एफ ऑफ z प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। एंड जीरो क्या होगा? जीरो मतलब जीरो एलिमेंट ऑफ दिस, और q बाई टू जेड का जो जीरो एलिमेंट है वो मेरा टू जेड है, ये हो गया। चलिए z प्लस पी बाई क्यू सच दैट एफ ऑफ जेड प्लस पी बाई क्यू क्या डिफाइंड हमने किया है, दिस इज द, तो ये हो गया टू जेड प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल टू टू जेड, अगेन टू जेड इज द सब ग्रुप ऑफ द क्यू हियर,
और 2z में कोई एलिमेंट ऐड करने पे 2z मिला है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि डिफिनेटली z प्लस पी बाई क्यू सच दैट p बाई क्यू बिलोंग्स टू वन टू जेड, तभी होगा इफ एंड ओनली भी कंडीशन है, एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, तो p बाई क्यू टू जेड में मिलेगा। अच्छा p बाई क्यू टू जेड में तभी मिलेगा मतलब कि p बाई क्यू इज व्हाट इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर आएंगे दिस, और इवन इंटीजर्स को हम कोई भी नंबर से लिख दें, इवन इंटीजर्स टेकिंग दिस इज द 2m हियर वेयर m बिलोंग्स टू z, तो यहाँ क्या हो जाएगा z प्लस पी बाई क्यू बी एनी एम इंटीजर्स 2m। अच्छा z प्लस 2m m इंटीजर्स लिख रहे हैं ना, 2m भी इंटीजर्स होगा यानी 2m अगेन z में मिलेगा, तो मीनिंग क्या हो जाएगी सिंपली z हो जाएगा। एंड z इज द व्हाट, z इज द जीरो ऑफ दिस ग्रुप, तो कर्नल ऑफ f में जीरो है, सिंपली जीरो एलिमेंट है और जीरो एलिमेंट है दिस इज द वन वन हियर। और अभी हमने दिखाया कि वो होमोमार्फिज्म भी हाँ टू भी हो जाएगा, इजीली चेक कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो किसी न किसी एलिमेंट किससे रिलेशन रखेगा, अंडर एफ ऑलरेडी मिलना है या अंडर एफ या किसी न किसी एलिमेंट से, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जिसे किसी न किसी एलिमेंट एफ द्वारा रिलेटेड नहीं है, जो मैपिंग हम लोगों ने डिफाइंड की है। तो ये भी जो मेरा हो गया दिस इज द आइसोमार्फिज्म, कहने का हमारा मतलब क्या है कि ये ऑप्शन ट्रू होगा, जो आई टी जैम में इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया है दिस इज द ट्रू आंसर की ऑलरेडी आ गई है, तो दिस इज द ट्रू ईयर, बाकी क्यों ट्रू नहीं है हमने उस चीज़ को प्रूव किया। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।